हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पवन कल्याण की आने वाली फिल्म ओजी से रिलीज डेट का ऐलान हो गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण के बीते लंबे समय से अपनी आगामी फिल्म ओजी को लेकर सुर्खियों में बने हुए है। इस फिल्म में इमरान हाशमी अपने तेलुगु डेब्यू करने के लिए तैयार है। फिल्म की पहली झलक सामने आने के बाद से ही फैन इसकी रिलीज डेट की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। हालांकि अब इंतजार खत्म हो गया है, निर्माताओं ने आधिकारिक घोषणा कर दी है। मूवी इसी साल पर्दे पर धमाल मचाने के लिए आने वाली है। पवन कल्याण और इमरान हाशमी की फिल्म का निर्माण कर रहे हैं डीवीवी ने फिल्म से जुड़ी एक पोस्टर साझा किया है। साथ ही इसकी रिलीज डेट का भी घोषणा रिलीज डेट की भी घोषणा कर दी है। प्रोडक्शन हाउस ने एक्स पर पोस्ट के साथ लिखा, ओजी 27 सितंबर 2024 को आएंगी। पोस्टर भी बेहद दिलचस्प है। इसमें साउथ सुपरस्टार के हाथ में चाय का गिलास पकड़े हुए नजर आ रहे हैं, जो कि उनकी राजनीतिक पार्टी का भी प्रतीक है। ओजी की बात करें तो इस फिल्म में पवन कल्याण के अलावा इमरान हाशमी, प्रिया अरुण मोहन, अर्जुन दास, प्रकाश राज, श्रेया रेड्डी, हरीश उथनम, अभिमन्यु सिंह, अजय घोष और सूरभ रेखा सुधाकर जैसे कई कलाकार शामिल हैं। ओजी के साथ इमरान हाशमी अपने तेलुगु डेब्यू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मूवी में वह विलन की भूमिका निभाने वाले हैं। वहीं ओजी की कहानी की चर्चा करें तो यह एक गैंगस्टर ड्रामा है। फिल्म की कहानी मुंबई माफिया के इर्द गिर्द घूमती है। 27 सितंबर को अपनी रिलीज डेट के लिए तैयार फिल्म ओजी में नवनीतम नीलू का संपादन है, थमन एस का संगीत और रवि के चंदन की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलेंगी। फिल्म की कहानी सुजीत ने लिखी है, साथ ही उन्होंने ही इसका निर्देशन भी किया है। वहीं पवन कल्याण की वर्कफेड की बात करें तो वह हरीश शंकर के साथ उस्ताद भगत सिंह नामक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, जो इसी साल स्क्रीन पर आएंगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पवन कल्याण की आने वाली फिल्म ओजी से रिलीज डेट का ऐलान हो गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण के बीते लंबे समय से अपनी आगामी फिल्म ओजी को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म में इमरान हाशमी अपने तेलुगु डेब्यू करने के लिए तैयार है। फिल्म की पहली झलक सामने आने के बाद से ही फैन इसकी रिलीज डेट की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। हालांकि अब इंतजार खत्म हो गया है, निर्माताओं ने आधिकारिक घोषणा कर दी है। मूवी इसी साल पर्दे पर धमाल मचाने के लिए आने वाली है। पवन कल्याण और इमरान हाशमी की फिल्म का निर्माण कर रहे हैं डीवीवी ने फिल्म से जुड़ी एक पोस्टर साझा किया है। साथ ही इसकी रिलीज डेट का भी घोषणा रिलीज डेट की भी घोषणा कर दी है। प्रोडक्शन हाउस ने एक्स पर पोस्ट के साथ लिखा, ओजी 27 सितंबर 2024 को आएंगी। पोस्टर भी बेहद दिलचस्प है। इसमें साउथ सुपरस्टार के हाथ में चाय का गिलास पकड़े हुए नजर आ रहे हैं, जो कि उनकी राजनीतिक पार्टी का भी प्रतीक है। ओजी की बात करें तो इस फिल्म में पवन कल्याण के अलावा इमरान हाशमी, प्रिया अरुण मोहन, अर्जुन दास, प्रकाश राज, श्रेया रेड्डी, हरीश उथनम, अभिमन्यु सिंह, अजय घोष और सूरभ रेखा सुधाकर जैसे कई कलाकार शामिल हैं। ओजी के साथ इमरान हाशमी अपने तेलुगु डेब्यू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मूवी में वह विलन की भूमिका निभाने वाले हैं। वहीं ओजी की कहानी की चर्चा करें तो यह एक गैंगस्टर ड्रामा है। फिल्म की कहानी मुंबई माफिया के इर्द गिर्द घूमती है। 27 सितंबर को अपनी रिलीज डेट के लिए तैयार फिल्म ओजी में नवनीतम नीलू का संपादन है, थमन एस का संगीत और रवि
के चंदन की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलेंगी। फिल्म की कहानी सुजीत ने लिखी है, साथ ही उन्होंने ही इसका निर्देशन भी किया है। वहीं पवन कल्याण की वक्फ हेड की बात करें तो वह हरीश शंकर के साथ उस्ताद भगत सिंह नामक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, जो इसी साल स्क्रीन पर आएंगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पवन कल्याण की आने वाली फिल्म ओजी से रिलीज डेट का ऐलान हो गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण के बीते लंबे समय से अपनी आगामी फिल्म ओजी को लेकर सुर्खियों में बने हुए है। इस फिल्म में इमरान हाशमी अपने तेलुगु डेब्यू करने के लिए तैयार है। फिल्म की पहली झलक सामने आने के बाद से ही फैन इसकी रिलीज डेट की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। हालांकि अब इंतजार खत्म हो गया है, निर्माताओं ने आधिकारिक घोषणा कर दी है। मूवी इसी साल पर्दे पर धमाल मचाने के लिए आने वाली है। पवन कल्याण और इब्राहिम हाशमी की फिल्म का निर्माण कर रहे है DVV ने फिल्म से जुड़ी एक पोस्टर साझा किया है, साथ ही इसकी रिलीज डेट का भी घोषणा घोषणा कर दी है। प्रोडक्शन हाउस ने एक्स पर पोस्ट के साथ लिखा, ओजी 27 सितंबर 2024 को आएंगी। पोस्टर भी बेहद दिलचस्प है, इसमें साउथ सुपरस्टार के हाथ में चाय का गिलास पकड़े हुए नजर आ रहे हैं, जो कि उनकी राजनीतिक पार्टी का भी प्रतीक है। ओजी की बात करें तो इस फिल्म में पवन कल्याण के अलावा इब्राहिम हाशमी, प्रिया अरुण मोहन, अर्जुन दास, प्रकाश राज, श्रेया रेड्डी, हरीश उथनम, अभिमन्यु सिंह, अजय घोष और सूरभ रेखा सुधाकर जैसे कई कलाकार शामिल हैं। ओजी के साथ इब्राहिम हाशमी अपने तेलुगु डेब्यू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मूवी में वह विलन की भूमिका निभाने वाले हैं। वही ओजी की कहानी की चर्चा करें तो यह एक गैंगस्टर ड्रामा है। फिल्म की कहानी मुंबई माफिया के इर्द गिर्द घूमती है। 27 सितंबर को अपनी रिलीज डेट के लिए तैयार फिल्म ओजी में नवनीतम नीलू का संपादन है, थमन एस का संगीत और रवि के चंदन की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलेंगी। फिल्म की कहानी सुजीत ने लिखी है, साथ ही उन्होंने ही इसका निर्देशन भी किया है। वहीं पवन कल्याण की वक्फ हेड की बात करें तो वह हरीश शंकर के साथ उस्ताद भगत सिंह नामक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, जो इसी साल स्क्रीन पर आएंगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पवन कल्याण की आने वाली फिल्म ओजी से रिलीज डेट का ऐलान हो गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण के बीते लंबे समय से अपनी आगामी फिल्म ओजी को लेकर सुर्खियों में बने हुए है। इस फिल्म में इमरान हाशमी अपने तेलुगु डेब्यू करने के लिए तैयार है। फिल्म की पहली झलक सामने आने के बाद से ही फैन इसकी रिलीज डेट की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। हालांकि अब इंतजार खत्म हो गया है, निर्माताओं ने आधिकारिक घोषणा कर दी है। मूवी इसी साल पर्दे पर धमाल मचाने के लिए आने वाली है। पवन कल्याण और इब्राहिम हाशमी की फिल्म का निर्माण कर रहे है DVV ने फिल्म से जुड़ी एक पोस्टर साझा किया है, साथ ही इसकी रिलीज डेट का भी घोषणा घोषणा कर दी है। प्रोडक्शन हाउस ने एक्स पर पोस्ट के साथ लिखा, ओजी 27 सितंबर 2024 को आएंगी। पोस्टर भी बेहद दिलचस्प है, इसमें साउथ सुपरस्टार के हाथ में चाय का गिलास पकड़े हुए नजर आ रहे हैं, जो कि उनकी राजनीतिक पार्टी का भी प्रतीक है। ओजी की बात करें तो इस फिल्म में पवन कल्याण के अलावा इब्राहिम हाशमी, प्रिया अरुण मोहन, अर्जुन दास, प्रकाश राज, श्रेया रेड्डी, हरीश उथनम, अभिमन्यु सिंह, अजय घोष और सूरभ रेखा सुधाकर जैसे कई कलाकार शामिल हैं। ओजी के साथ इब्राहिम हाशमी अपने तेलुगु डेब्यू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मूवी में वह विलन की भूमिका निभाने वाले हैं। वहीं ओजी की कहानी की चर्चा
करें तो यह एक गैंगस्टर ड्रामा है। फिल्म की कहानी मुंबई माफिया के इर्द गिर्द घूमती है। 27 सितंबर को अपनी रिलीज डेट के लिए तैयार फिल्म ओजी में नवनीतम नीलू का संपादन है, थमन एस का संगीत और रवि के चंदन की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलेंगी। फिल्म की कहानी सुजीत ने लिखी है, साथ ही उन्होंने इसका निर्देशन भी किया है। वही पवन कल्याण की वक्फेड की बात करें तो वह हरीश शंकर के साथ उस्ताद भगत सिंह नामक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, जो इसी साल स्क्रीन पर आएंगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पवन कल्याण की आने वाली फिल्म ओजी से रिलीज डेट का ऐलान हो गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण के बीते लंबे समय से अपनी आगामी फिल्म ओजी को लेकर सुर्खियों में बने हुए है। इस फिल्म में इब्रान हाशमी अपने तेलुगु डेब्यू करने के लिए तैयार है। फिल्म की पहली झलक सामने आने के बाद से ही फैन इसकी रिलीज डेट की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। हालांकि अब इंतजार खत्म हो गया है, निर्माताओं ने आधिकारिक घोषणा कर दी है। मूवी इसी साल पर्दे पर धमाल मचाने के लिए आने वाली है। पवन कल्याण और इब्राहिम हाशमी की फिल्म का निर्माण कर रहे हैं DVV ने फिल्म से जुड़ी एक पोस्टर साझा किया है, साथ ही इसकी रिलीज डेट का भी घोषणा कर दी है। प्रोडक्शन हाउस ने एक्स पर पोस्ट के साथ लिखा, ओजी 27 सितंबर 2024 को आएंगी। पोस्टर भी बेहद दिलचस्प है, इसमें साउथ सुपरस्टार के हाथ में चाय का गिलास पकड़े हुए नजर आ रहे हैं, जो कि उनकी राजनीतिक पार्टी का भी प्रतीक है। ओजी की बात करें तो इस फिल्म में पवन कल्याण के अलावा इब्राहिम हाशमी, प्रिया अरुण मोहन, अर्जुन दास, प्रकाश राज, श्रेया रेड्डी, हरीश उथनम, अभिमन्यु सिंह, अजय घोष और सूरभ रेखा सुधाकर जैसे कई कलाकार शामिल हैं। ओजी के साथ इब्राहिम हाशमी अपने तेलुगु डेब्यू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मूवी में वह विलन की भूमिका निभाने वाले हैं। वही ओजी की कहानी की चर्चा करें तो यह एक गैंगस्टर ड्रामा है। फिल्म की कहानी मुंबई माफिया के इर्द गिर्द घूमती है। 27 सितंबर को अपनी रिलीज डेट के लिए तैयार फिल्म ओजी में नवनीतम नीलू का संपादन है, थमन एस का संगीत और रवि के चंदन की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलेंगी। फिल्म की कहानी सुजीत ने लिखी है, साथ ही उन्होंने इसका निर्देशन भी किया है। वही पवन कल्याण की वक्फेड की बात करें तो वह हरीश शंकर के साथ उस्ताद भगत सिंह नामक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, जो इसी साल स्क्रीन पर आएंगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पवन कल्याण की आने वाली फिल्म ओजी से रिलीज डेट का ऐलान हो गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण के बीते लंबे समय से अपनी आगामी फिल्म ओजी को लेकर सुर्खियों में बने हुए है। इस फिल्म में इब्राहिम हाशमी अपने तेलुगु डेब्यू करने के लिए तैयार है। फिल्म की पहली झलक सामने आने के बाद से ही फैन इसकी रिलीज डेट की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। हालांकि अब इंतजार खत्म हो गया है, निर्माताओं ने आधिकारिक घोषणा कर दी है। मूवी इसी साल पर्दे पर धमाल मचाने के लिए आने वाली है। पवन कल्याण और इब्राहिम हाशमी की फिल्म का निर्माण कर रहे हैं DVV ने फिल्म से जुड़ी एक पोस्टर साझा किया है, साथ ही इसकी रिलीज डेट का भी घोषणा कर दी है। प्रोडक्शन हाउस ने एक्स पर पोस्ट के साथ लिखा, ओजी 27 सितंबर 2024 को आएंगी। पोस्टर भी बेहद दिलचस्प है, इसमें साउथ सुपरस्टार के हाथ में चाय का गिलास पकड़े हुए नजर आ रहे हैं, जो कि उनकी राजनीतिक पार्टी का भी प्रतीक है। ओजी की बात करें तो इस फिल्म में पवन कल्याण के अलावा इब्राहिम हाशमी, प्रिया अरुण मोहन, अर्जुन दास, प्रकाश राज, श्रेया रेड्डी, हरीश उथनम,
अभिमन्यु सिंह, अजय घोष और सूरभ रेखा सुधाकर जैसे कई कलाकार शामिल हैं। ओजी के साथ इब्राहिम हाशमी अपनी तेलुगु डेब्यू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मूवी में वह विलन की भूमिका निभाने वाले हैं। वहीं ओजी की कहानी की चर्चा करें तो यह एक गैंगस्टर ड्रामा है। फिल्म की कहानी मुंबई माफिया के इर्द गिर्द घूमती है। 27 सितंबर को अपनी रिलीज डेट के लिए तैयार फिल्म ओजी में नवनीतम नीलू का संपादन है, थमन एस का संगीत और रवि के चंदन की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलेंगी। फिल्म की कहानी सुजीत ने लिखी है, साथ ही उन्होंने ही इसका निर्देशन भी किया है। वही पवन कल्याण की वक्फ हेड की बात करें तो वह हरीश शंकर के साथ उस्ताद भगत सिंह नामक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, जो इसी साल स्क्रीन पर आएंगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पवन कल्याण की आने वाली फिल्म ओजी से रिलीज डेट का ऐलान हो गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण की बीते लंबे समय से अपनी आगामी फिल्म ओजी को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म में इब्राहिम हाशमी अपने तेलुगु डेब्यू करने के लिए तैयार है। फिल्म की पहली झलक सामने आने के बाद से ही फैन इसकी रिलीज डेट की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। हालांकि अब इंतजार खत्म हो गया है, निर्माताओं ने आधिकारिक घोषणा कर दी है। मूवी इसी साल पर्दे पर धमाल मचाने के लिए आने वाली है। पवन कल्याण और इब्राहिम हाशमी की फिल्म का निर्माण कर रहे हैं डीवीवी। ने फिल्म से जुड़ी एक पोस्टर साझा किया है, साथ ही इसकी रिलीज डेट का भी घोषणा कर दी है। प्रोडक्शन हाउस ने एक्स पर पोस्ट के साथ लिखा, ओजी 27 सितंबर 2024 को आएंगी। पोस्टर भी बेहद दिलचस्प है, इसमें साउथ सुपरस्टार के हाथ में चाय का गिलास पकड़े हुए नजर आ रहे हैं, जो कि उनकी राजनीतिक पार्टी का भी प्रतीक है। ओजी की बात करें तो इस फिल्म में पवन कल्याण के अलावा इब्राहिम हाशमी, प्रिया अरुण मोहन, अर्जुन दास, प्रकाश राज, श्रेया रेड्डी, हरीश उथनम, अभिमन्यु सिंह, अजय घोष और सूरभ रेखा सुधाकर जैसे कई कलाकार शामिल हैं। ओजी के साथ इब्राहिम हाशमी अपनी तेलुगु डेब्यू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मूवी में वह विलन की भूमिका निभाने वाले हैं। वहीं ओजी की कहानी की चर्चा करें तो यह एक गैंगस्टर ड्रामा है। फिल्म की कहानी मुंबई माफिया के इर्द गिर्द घूमती है। 27 सितंबर को अपनी रिलीज डेट के लिए तैयार फिल्म ओजी में नवनीतम नीलू का संपादन है, थमन एस का संगीत और रवि के चंदन की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलेंगी। फिल्म की कहानी सुजीत ने लिखी है, साथ ही उन्होंने ही इसका निर्देशन भी किया है। वही पवन कल्याण की वक्फ हेड की बात करें तो वह हरीश शंकर के साथ उस्ताद भगत सिंह नामक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, जो इसी साल स्क्रीन पर आएंगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पवन कल्याण की आने वाली फिल्म ओजी से रिलीज डेट का ऐलान हो गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण की बीते लंबे समय से अपनी आगामी फिल्म ओजी को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म में इब्राहिम हाशमी अपने तेलुगु डेब्यू करने के लिए तैयार है। फिल्म की पहली झलक सामने आने के बाद से ही फैन इसकी रिलीज डेट की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। हालांकि अब इंतजार खत्म हो गया है, निर्माताओं ने आधिकारिक घोषणा कर दी है। मूवी इसी साल पर्दे पर धमाल मचाने के लिए आने वाली है। पवन कल्याण और इब्राहिम हाशमी की फिल्म का निर्माण कर रहे हैं डीवीवी। ने फिल्म से जुड़ी एक पोस्टर साझा किया है, साथ ही इसकी रिलीज डेट का भी घोषणा कर दी है। प्रोडक्शन हाउस ने एक्स पर पोस्ट के साथ लिखा, ओजी 27 सितंबर 2024 को आएंगी। पोस्टर भी बेहद दिलचस्प है, इसमें साउथ सुपरस्टार के हाथ में चाय का गिलास पकड़े हुए नजर आ रहे हैं, जो कि उनकी राजनीतिक पार्टी का भी प्रतीक है।
ओजी की बात करें तो इस फिल्म में पवन कल्याण के अलावा इब्राहिम हाशमी, प्रिया अरुण मोहन, अर्जुन दास, प्रकाश राज, श्रेया रेड्डी, हरीश उथनम, अभिमन्यु सिंह, अजय घोष और सूरभ रेखा सुधाकर जैसे कई कलाकार शामिल हैं। ओजी के साथ इब्राहिम हाशमी अपने तेलुगु डेब्यू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मूवी में वह विलन की भूमिका निभाने वाले हैं। वहीं ओजी की कहानी की चर्चा करें तो यह एक गैंगस्टर ड्रामा है। फिल्म की कहानी मुंबई माफिया के इर्द गिर्द घूमती है। 27 सितंबर को अपनी रिलीज डेट के लिए तैयार फिल्म ओजी में नवनीतम नीलू का संपादन है, थमन एस का संगीत और रवि के चंदन की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलेंगी। फिल्म की कहानी सुजीत ने लिखी है, साथ ही उन्होंने इसका निर्देशन भी किया है। वही पवन कल्याण की वर्कफेयर की बात करें तो वह हरीश शंकर के साथ उस्ताद भगत सिंह नामक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, जो इसी साल स्क्रीन पर आएंगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पवन कल्याण की आने वाली फिल्म ओजी से रिलीज डेट का ऐलान हो गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण की बीते लंबे समय से अपनी आगामी फिल्म ओजी को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म में इब्राहिम हाशमी अपने तेलुगु डेब्यू करने के लिए तैयार है। फिल्म की पहली झलक सामने आने के बाद से ही फैन इसकी रिलीज डेट की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। हालांकि अब इंतजार खत्म हो गया है, निर्माताओं ने आधिकारिक घोषणा कर दी है। मूवी इसी साल पर्दे पर धमाल मचाने के लिए आने वाली है। पवन कल्याण और इब्राहिम हाशमी की फिल्म का निर्माण कर रहे हैं डीवीवी ने फिल्म से जुड़ी एक पोस्टर साझा किया है, साथ ही इसकी रिलीज डेट का भी घोषणा कर दी है। प्रोडक्शन हाउस ने एक्स पर पोस्ट के साथ लिखा, ओजी 27 सितंबर 2024 को आएंगी। पोस्टर भी बेहद दिलचस्प है, इसमें साउथ सुपरस्टार के हाथ में चाय का गिलास पकड़े हुए नजर आ रहे हैं, जो कि उनकी राजनीतिक पार्टी का भी प्रतीक है। ओजी की बात करें तो इस फिल्म में पवन कल्याण के अलावा इब्राहिम हाशमी, प्रिया अरुण मोहन, अर्जुन दास, प्रकाश राज, श्रेया रेड्डी, हरीश उथनम, अभिमन्यु सिंह, अजय घोष और सूरभ रेखा सुधाकर जैसे कई कलाकार शामिल हैं। ओजी के साथ इब्राहिम हाशमी अपने तेलुगु डेब्यू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मूवी में वह विलन की भूमिका निभाने वाले हैं। वहीं ओजी की कहानी की चर्चा करें तो यह एक गैंगस्टर ड्रामा है। फिल्म की कहानी मुंबई माफिया के इर्द गिर्द घूमती है। 27 सितंबर को अपनी रिलीज डेट के लिए तैयार फिल्म ओजी में नवनीतम नीलू का संपादन है, थमन एस का संगीत और रवि के चंदन की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलेंगी। फिल्म की कहानी सुजीत ने लिखी है, साथ ही उन्होंने इसका निर्देशन भी किया है। वही पवन कल्याण की वर्कफेयर की बात करें तो वह हरीश शंकर के साथ उस्ताद भगत सिंह नामक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, जो इसी साल स्क्रीन पर आएंगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पवन कल्याण की आने वाली फिल्म ओजी से रिलीज डेट का ऐलान हो गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण की बीते लंबे समय से अपनी आगामी फिल्म ओजी को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म में इब्राहिम हाशमी अपने तेलुगु डेब्यू करने के लिए तैयार है। फिल्म की पहली झलक सामने आने के बाद से ही फैन इसकी रिलीज डेट की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। हालांकि अब इंतजार खत्म हो गया है, निर्माताओं ने आधिकारिक घोषणा कर दी है। मूवी इसी साल पर्दे पर धमाल मचाने के लिए आने वाली है। पवन कल्याण और इब्राहिम हाशमी की फिल्म का निर्माण कर रहे हैं डीवीवी
किसी ने फिल्म से जुड़ी एक पोस्टर साझा किया है, साथ ही इसकी रिलीज डेट का भी घोषणा रिलीज डेट की भी घोषणा कर दी है। प्रोडक्शन हाउस ने एक्स पर पोस्ट के साथ लिखा, ओजी 27 सितंबर 2024 को आएंगी। पोस्टर भी बेहद दिलचस्प है, इसमें साउथ सुपरस्टार के हाथ में चाय का गिलास पकड़े हुए नजर आ रहे हैं, जो कि उनकी राजनीतिक पार्टी का भी प्रतीक है। ओजी की बात करें तो इस फिल्म में पवन कल्याण के अलावा इब्राहिम हाशमी, प्रिया अरुण मोहन, अर्जुन दास, प्रकाश राज, श्रेया रेड्डी, हरीश उथनम, अभिमन्यु सिंह, अजय घोष और सूरभ रेखा सुधाकर जैसे कई कलाकार शामिल हैं। ओजी के साथ इब्राहिम हाशमी अपनी तेलुगु डेब्यू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मूवी में वह विलन की भूमिका निभाने वाले हैं। वहीं ओजी की कहानी की चर्चा करें तो यह एक गैंगस्टर ड्रामा है। फिल्म की कहानी मुंबई माफिया के इर्द गिर्द घूमती है। 27 सितंबर को अपनी रिलीज डेट के लिए तैयार फिल्म ओजी में नवनीतम नीलू का संपादन है, थमन एस का संगीत और रवि के चंदन की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलेंगी। फिल्म की कहानी सुजीत ने लिखी है, साथ ही उन्होंने ही इसका निर्देशन भी किया है। वही पवन कल्याण की वर्कफेड की बात करें तो वह हरीश शंकर के साथ उस्ताद भगत सिंह नामक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, जो इसी साल स्क्रीन पर आएंगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पवन कल्याण की आने वाली फिल्म ओजी से रिलीज डेट का ऐलान हो गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण के बीते लंबे समय से अपनी आगामी फिल्म ओजी को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म में इब्राहिम हाशमी अपने तेलुगु डेब्यू करने के लिए तैयार है। फिल्म की पहली झलक सामने आने के बाद से ही फैन इसकी रिलीज डेट की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। हालांकि अब इंतजार खत्म हो गया है, निर्माताओं ने आधिकारिक घोषणा कर दी है। मूवी इसी साल पर्दे पर धमाल मचाने के लिए आने वाली है। पवन कल्याण और इब्राहिम हाशमी की फिल्म का निर्माण कर रहे हैं डीवीवी ने फिल्म से जुड़ी एक पोस्टर साझा किया है, साथ ही इसकी रिलीज डेट का भी घोषणा रिलीज डेट की भी घोषणा कर दी है। प्रोडक्शन हाउस ने एक्स पर पोस्ट के साथ लिखा, ओजी 27 सितंबर 2024 को आएंगी। पोस्टर भी बेहद दिलचस्प है, इसमें साउथ सुपरस्टार के हाथ में चाय का गिलास पकड़े हुए नजर आ रहे हैं, जो कि उनकी राजनीतिक पार्टी का भी प्रतीक है। ओजी की बात करें तो इस फिल्म में पवन कल्याण के अलावा इब्राहिम हाशमी, प्रिया अरुण मोहन, अर्जुन दास, प्रकाश राज, श्रेया रेड्डी, हरीश उथनम, अभिमन्यु सिंह, अजय घोष और सूरभ रेखा सुधाकर जैसे कई कलाकार शामिल हैं। ओजी के साथ इब्राहिम हाशमी अपनी तेलुगु डेब्यू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मूवी में वह विलन की भूमिका निभाने वाले हैं। वहीं ओजी की कहानी की चर्चा करें तो यह एक गैंगस्टर ड्रामा है। फिल्म की कहानी मुंबई माफिया के इर्द गिर्द घूमती है। 27 सितंबर को अपनी रिलीज डेट के लिए तैयार फिल्म ओजी में नवनीतम नीलू का संपादन है, थमन एस का संगीत और रवि के चंदन की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलेंगी। फिल्म की कहानी सुजीत ने लिखी है, साथ ही उन्होंने ही इसका निर्देशन भी किया है। वही पवन कल्याण की वर्कफेड की बात करें तो वह हरीश शंकर के साथ उस्ताद भगत सिंह नामक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, जो इसी साल स्क्रीन पर आएंगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पवन कल्याण की आने वाली फिल्म ओजी से रिलीज डेट का ऐलान हो गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण के बीते लंबे समय से अपनी आगामी फिल्म ओजी को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म में इब्राहिम हाशमी
अपने तेलुगु डेब्यू करने के लिए तैयार है। फिल्म की पहली झलक सामने आने के बाद से ही फैन इसकी रिलीज डेट की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। हालांकि अब इंतजार खत्म हो गया है, निर्माताओं ने आधिकारिक घोषणा कर दी है। मूवी इसी साल पर्दे पर धमाल मचाने के लिए आने वाली है। पवन कल्याण और इब्राहिम हाशमी की फिल्म का निर्माण कर रहे हैं डीवीवी। ने फिल्म से जुड़ी एक पोस्टर साझा किया है, साथ ही इसकी रिलीज डेट का भी घोषणा कर दी है। प्रोडक्शन हाउस ने एक्स पर पोस्ट के साथ लिखा, ओजी 27 सितंबर 2024 को आएंगी। पोस्टर भी बेहद दिलचस्प है, इसमें साउथ सुपरस्टार के हाथ में चाय का गिलास पकड़े हुए नजर आ रहे हैं, जो कि उनकी राजनीतिक पार्टी का भी प्रतीक है। ओजी की बात करें तो इस फिल्म में पवन कल्याण के अलावा इब्राहिम हाशमी, प्रिया अरुण मोहन, अर्जुन दास, प्रकाश राज, श्रेया रेड्डी, हरीश उत्तरम, अभिमन्यु सिंह, अजय घोष और सूरभ रेखा सुधाकर जैसे कई कलाकार शामिल है। ओजी के साथ इब्राहिम हाशमी अपने तेलुगु डेब्यू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मूवी में वह विलन की भूमिका निभाने वाले हैं। वहीं ओजी की कहानी की चर्चा करें तो यह एक गैंगस्टर ड्रामा है। फिल्म की कहानी मुंबई माफिया के इर्द गिर्द घूमती है। 27 सितंबर को अपनी रिलीज डेट के लिए तैयार फिल्म ओजी में नवनीतम नीलू का संपादन है, थमन एस का संगीत और रवि के चंदन की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलेंगी। फिल्म की कहानी सुजीत ने लिखी है, साथ ही उन्होंने इसका निर्देशन भी किया है। वही पवन कल्याण की वर्कफेयर की बात करें तो वह हरीश शंकर के साथ उस्ताद भगत सिंह नामक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, जो इसी साल स्क्रीन पर आएंगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पवन कल्याण की आने वाली फिल्म ओजी से रिलीज डेट का ऐलान हो गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण की बीते लंबे समय से अपनी आगामी फिल्म ओजी को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म में इब्राहिम हाशमी अपने तेलुगु डेब्यू करने के लिए तैयार है। फिल्म की पहली झलक सामने आने के बाद से ही फैन इसकी रिलीज डेट की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। हालांकि अब इंतजार खत्म हो गया है, निर्माताओं ने आधिकारिक घोषणा कर दी है। मूवी इसी साल पर्दे पर धमाल मचाने के लिए आने वाली है। पवन कल्याण और इब्राहिम हाशमी की फिल्म का निर्माण कर रहे हैं डीवीवी। ने फिल्म से जुड़ी एक पोस्टर साझा किया है, साथ ही इसकी रिलीज डेट का भी घोषणा कर दी है। प्रोडक्शन हाउस ने एक्स पर पोस्ट के साथ लिखा, ओजी 27 सितंबर 2024 को आएंगी। पोस्टर भी बेहद दिलचस्प है, इसमें साउथ सुपरस्टार के हाथ में चाय का गिलास पकड़े हुए नजर आ रहे हैं, जो कि उनकी राजनीतिक पार्टी का भी प्रतीक है। ओजी की बात करें तो इस फिल्म में पवन कल्याण के अलावा इब्राहिम हाशमी, प्रिया अरुण मोहन, अर्जुन दास, प्रकाश राज, श्रेया रेड्डी, हरीश उत्तरम, अभिमन्यु सिंह, अजय घोष और सूरभ रेखा सुधाकर जैसे कई कलाकार शामिल हैं। ओजी के साथ इब्राहिम हाशमी अपने तेलुगु डेब्यू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मूवी में वह विलन की भूमिका निभाने वाले हैं। वहीं ओजी की कहानी की चर्चा करें तो यह एक गैंगस्टर ड्रामा है। फिल्म की कहानी मुंबई माफिया के इर्द गिर्द घूमती है। 27 सितंबर को अपनी रिलीज डेट के लिए तैयार फिल्म ओजी में नवनीतम नीलू का संपादन है, थमन एस का संगीत और रवि के चंदन की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलेंगी। फिल्म की कहानी सुजीत ने लिखी है, साथ ही उन्होंने इसका निर्देशन भी किया है। वही पवन कल्याण की वर्कफेयर की बात करें तो वह हरीश शंकर के साथ उस्ताद भगत सिंह नामक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, जो इसी साल स्क्रीन पर आएंगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पवन कल्याण की आने वाली फिल्म ओजी से
रिलीज डेट का ऐलान हो गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण की बीते लंबे समय से अपनी आगामी फिल्म ओजी को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म में इमरान हाशमी अपने तेलुगु डेब्यू करने के लिए तैयार है। फिल्म की पहली झलक सामने आने के बाद से ही फैन इसकी रिलीज डेट की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। हालांकि अब इंतजार खत्म हो गया है, निर्माताओं ने आधिकारिक घोषणा कर दी है। मूवी इसी साल पर्दे पर धमाल मचाने के लिए आने वाली है। पवन कल्याण और इब्राहिम हाशमी की फिल्म का निर्माण कर रहे हैं डीवीवी ने फिल्म से जुड़ी एक पोस्टर साझा किया है, साथ ही इसकी रिलीज डेट का भी घोषणा रिलीज डेट की भी घोषणा कर दी है। प्रोडक्शन हाउस ने एक्स पर पोस्ट के साथ लिखा, ओजी 27 सितंबर 2024 को आएंगी। पोस्टर भी बेहद दिलचस्प है, इसमें साउथ सुपरस्टार के हाथ में चाय का गिलास पकड़े हुए नजर आ रहे हैं, जो कि उनकी राजनीतिक पार्टी का भी प्रतीक है। ओजी की बात करें तो इस फिल्म में पवन कल्याण के अलावा इब्राहिम हाशमी, प्रिया अरुण मोहन, अर्जुन दास, प्रकाश राज, श्रेया रेड्डी, हरीश उथनम, अभिमन्यु सिंह, अजय घोष और सूरभ रेखा सुधाकर जैसे कई कलाकार शामिल हैं। ओजी के साथ इब्राहिम हाशमी अपनी तेलुगु डेब्यू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मूवी में वह विलन की भूमिका निभाने वाले हैं। वहीं ओजी की कहानी की चर्चा करें तो यह एक गैंगस्टर ड्रामा है। फिल्म की कहानी मुंबई माफिया के इर्द गिर्द घूमती है। 27 सितंबर को अपनी रिलीज डेट के लिए तैयार फिल्म ओजी में नवनीतम नीलू का संपादन है, थमन एस का संगीत और रवि के चंदन की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलेंगी। फिल्म की कहानी सुजीत ने लिखी है, साथ ही उन्होंने ही इसका निर्देशन भी किया है। वहीं पवन कल्याण की वर्कफेड की बात करें तो वह हरीश शंकर के साथ उस्ताद भगत सिंह नामक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, जो इसी साल स्क्रीन पर आएंगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पवन कल्याण की आने वाली फिल्म ओजी से रिलीज डेट का ऐलान हो गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण की बीते लंबे समय से अपनी आगामी फिल्म ओजी को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म में इमरान हाशमी अपने तेलुगु डेब्यू करने के लिए तैयार है। फिल्म की पहली झलक सामने आने के बाद से ही फैन इसकी रिलीज डेट की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। हालांकि अब इंतजार खत्म हो गया है, निर्माताओं ने आधिकारिक घोषणा कर दी है। मूवी इसी साल पर्दे पर धमाल मचाने के लिए आने वाली है। पवन कल्याण और इब्राहिम हाशमी की फिल्म का निर्माण कर रहे हैं डीवीवी ने फिल्म से जुड़ी एक पोस्टर साझा किया है, साथ ही इसकी रिलीज डेट का भी घोषणा रिलीज डेट की भी घोषणा कर दी है। प्रोडक्शन हाउस ने एक्स पर पोस्ट के साथ लिखा, ओजी 27 सितंबर 2024 को आएंगी। पोस्टर भी बेहद दिलचस्प है, इसमें साउथ सुपरस्टार के हाथ में चाय का गिलास पकड़े हुए नजर आ रहे हैं, जो कि उनकी राजनीतिक पार्टी का भी प्रतीक है। ओजी की बात करें तो इस फिल्म में पवन कल्याण के अलावा इब्राहिम हाशमी, प्रिया अरुण मोहन, अर्जुन दास, प्रकाश राज, श्रेया रेड्डी, हरीश उथनम, अभिमन्यु सिंह, अजय घोष और सूरभ रेखा सुधाकर जैसे कई कलाकार शामिल हैं। ओजी के साथ इब्राहिम हाशमी अपनी तेलुगु डेब्यू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मूवी में वह विलन की भूमिका निभाने वाले हैं। वहीं ओजी की कहानी की चर्चा करें तो यह एक गैंगस्टर ड्रामा है। फिल्म की कहानी मुंबई माफिया के इर्द गिर्द घूमती है। 27 सितंबर को अपनी रिलीज डेट के लिए तैयार फिल्म ओजी में नवनीतम नीलू का संपादन है, थमन एस का संगीत और रवि के चंदन की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलेंगी। फिल्म की कहानी सुजीत ने लिखी है, साथ ही उन्होंने ही इसका निर्देशन भी किया है। वहीं पवन कल्याण की वर्कफेड की बात करें तो वह
हरीश शंकर के साथ उस्ताद भगत सिंह नामक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, जो इसी साल स्क्रीन पर आएंगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पवन कल्याण की आने वाली फिल्म ओजी से रिलीज डेट का ऐलान हो गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण की बीते लंबे समय से अपनी आगामी फिल्म ओजी को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म में इब्रान हाशमी अपने तेलुगु डेब्यू करने के लिए तैयार है। फिल्म की पहली झलक सामने आने के बाद से ही फैन इसकी रिलीज डेट की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। हालांकि अब इंतजार खत्म हो गया है, निर्माताओं ने आधिकारिक घोषणा कर दी है। मूवी इसी साल पर्दे पर धमाल मचाने के लिए आने वाली है। पवन कल्याण और इब्राहिम हाशमी की फिल्म का निर्माण कर रहे हैं डीवीवी ने फिल्म से जुड़ी एक पोस्टर साझा किया है, साथ ही इसकी रिलीज डेट का भी घोषणा रिलीज डेट की भी घोषणा कर दी है। प्रोडक्शन हाउस ने एक्स पर पोस्ट के साथ लिखा, ओजी 27 सितंबर 2024 को आएंगी। पोस्टर भी बेहद दिलचस्प है, इसमें साउथ सुपरस्टार के हाथ में चाय का गिलास पकड़े हुए नजर आ रहे हैं, जो कि उनकी राजनीतिक पार्टी का भी प्रतीक है। ओजी की बात करें तो इस फिल्म में पवन कल्याण के अलावा इब्राहिम हाशमी, प्रिया अरुण मोहन, अर्जुन दास, प्रकाश राज, श्रेया रेड्डी, हरीश उथनम, अभिमन्यु सिंह, अजय घोष और सूरभ रेखा सुधाकर जैसे कई कलाकार शामिल है। ओजी के साथ इब्राहिम हाशमी अपने तेलुगु डेब्यू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मूवी में वह विलन की भूमिका निभाने वाले हैं। वहीं ओजी की कहानी की चर्चा करें तो यह एक गैंगस्टर ड्रामा है। फिल्म की कहानी मुंबई माफिया के इर्द गिर्द घूमती है। 27 सितंबर को अपनी रिलीज डेट के लिए तैयार फिल्म ओजी में नवनीतम नीलू का संपादन है, थमन एस का संगीत और रवि के चंदन की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलेंगी। फिल्म की कहानी सुजीत ने लिखी है, साथ ही उन्होंने इसका निर्देशन भी किया है। वही पवन कल्याण की वर्कफेयर की बात करें तो वह हरीश शंकर के साथ उस्ताद भगत सिंह नामक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, जो इसी साल स्क्रीन पर आएंगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पवन कल्याण की आने वाली फिल्म ओजी से रिलीज डेट का ऐलान हो गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण की बीते लंबे समय से अपनी आगामी फिल्म ओजी को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म में इब्राहिम हाशमी अपने तेलुगु डेब्यू करने के लिए तैयार है। फिल्म की पहली झलक सामने आने के बाद से ही फैन इसकी रिलीज डेट की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। हालांकि अब इंतजार खत्म हो गया है, निर्माताओं ने आधिकारिक घोषणा कर दी है। मूवी इसी साल पर्दे पर धमाल मचाने के लिए आने वाली है। पवन कल्याण और इब्राहिम हाशमी की फिल्म का निर्माण कर रहे हैं डीवीवी ने फिल्म से जुड़ी एक पोस्टर साझा किया है, साथ ही इसकी रिलीज डेट का भी घोषणा रिलीज डेट की भी घोषणा कर दी है। प्रोडक्शन हाउस ने एक्स पर पोस्ट के साथ लिखा, ओजी 27 सितंबर 2024 को आएंगी। पोस्टर भी बेहद दिलचस्प है, इसमें साउथ सुपरस्टार के हाथ में चाय का गिलास पकड़े हुए नजर आ रहे हैं, जो कि उनकी राजनीतिक पार्टी का भी प्रतीक है। ओजी की बात करें तो इस फिल्म में पवन कल्याण के अलावा इब्राहिम हाशमी, प्रिया अरुण मोहन, अर्जुन दास, प्रकाश राज, श्रेया रेड्डी, हरीश उथनम, अभिमन्यु सिंह, अजय घोष और सूरभ रेखा सुधाकर जैसे कई कलाकार शामिल है। ओजी के साथ इब्राहिम हाशमी अपने तेलुगु डेब्यू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मूवी में वह विलन की भूमिका निभाने वाले हैं। वहीं ओजी की कहानी की चर्चा करें तो यह एक गैंगस्टर ड्रामा है। फिल्म की कहानी मुंबई माफिया के इर्द गिर्द घूमती है। 27 सितंबर को अपनी रिलीज डेट के लिए तैयार फिल्म ओजी में नवनीतम नीलू का संपादन है, थमन एस का संगीत और रवि
के चंदन की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलेंगी। फिल्म की कहानी सुजीत ने लिखी है, साथ ही उन्होंने ही इसका निर्देशन भी किया है। वहीं पवन कल्याण की वर्कफेड की बात करें तो वह हरीश शंकर के साथ उस्ताद भगत सिंह नामक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, जो इसी साल स्क्रीन पर आएंगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पवन कल्याण की आने वाली फिल्म ओजी से रिलीज डेट का ऐलान हो गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण की बीते लंबे समय से अपनी आगामी फिल्म ओजी को लेकर सुर्खियों में बने हुए है। इस फिल्म में इमरान हाशमी अपने तेलुगु डेब्यू करने के लिए तैयार है। फिल्म की पहली झलक सामने आने के बाद से ही फैन इसकी रिलीज डेट की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। हालांकि अब इंतजार खत्म हो गया है, निर्माताओं ने आधिकारिक घोषणा कर दी है। मूवी इसी साल पर्दे पर धमाल मचाने के लिए आने वाली है। पवन कल्याण और इमरान हाशमी की फिल्म का निर्माण कर रहे है DVV ने फिल्म से जुड़ी एक पोस्टर साझा किया है, साथ ही इसकी रिलीज डेट का भी घोषणा घोषणा कर दी है। प्रोडक्शन हाउस ने एक्स पर पोस्ट के साथ लिखा, ओजी 27 सितंबर 2024 को आएंगी। पोस्टर भी बेहद दिलचस्प है, इसमें साउथ सुपरस्टार के हाथ में चाय का गिलास पकड़े हुए नजर आ रहे हैं, जो कि उनकी राजनीतिक पार्टी का भी प्रतीक है। ओजी की बात करें तो इस फिल्म में पवन कल्याण के अलावा इमरान हाशमी, प्रिया अरुण मोहन, अर्जुन दास, प्रकाश राज, श्रेया रेड्डी, हरीश उथनम, अभिमन्यु सिंह, अजय घोष और सूरभ रेखा सुधाकर जैसे कई कलाकार शामिल हैं। ओजी के साथ इमरान हाशमी अपने तेलुगु डेब्यू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मूवी में वह विलन की भूमिका निभाने वाले हैं। वहीं ओजी की कहानी की चर्चा करें तो यह एक गैंगस्टर ड्रामा है। फिल्म की कहानी मुंबई माफिया के इर्द-गिर्द घूमती है। 27 सितंबर को अपनी रिलीज डेट के लिए तैयार फिल्म ओजी में नवनीतम नीलू का संपादन है, थमन एस का संगीत और रवि के चंदन की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलेंगी। फिल्म की कहानी सुजीत ने लिखी है, साथ ही उन्होंने ही इसका निर्देशन भी किया है। वहीं पवन कल्याण की वर्कफेड की बात करें तो वह हरीश शंकर के साथ उस्ताद भगत सिंह नामक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, जो इसी साल स्क्रीन पर आएंगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पवन कल्याण की आने वाली फिल्म ओजी से रिलीज डेट का ऐलान हो गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण की बीते लंबे समय से अपनी आगामी फिल्म ओजी को लेकर सुर्खियों में बने हुए है। इस फिल्म में इमरान हाशमी अपने तेलुगु डेब्यू करने के लिए तैयार है। फिल्म की पहली झलक सामने आने के बाद से ही फैन इसकी रिलीज डेट की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। हालांकि अब इंतजार खत्म हो गया है, निर्माताओं ने आधिकारिक घोषणा कर दी है। मूवी इसी साल पर्दे पर धमाल मचाने के लिए आने वाली है। पवन कल्याण और इमरान हाशमी की फिल्म का निर्माण कर रहे है DVV ने फिल्म से जुड़ी एक पोस्टर साझा किया है, साथ ही इसकी रिलीज डेट का भी घोषणा घोषणा कर दी है। प्रोडक्शन हाउस ने एक्स पर पोस्ट के साथ लिखा, ओजी 27 सितंबर 2024 को आएंगी। पोस्टर भी बेहद दिलचस्प है, इसमें साउथ सुपरस्टार के हाथ में चाय का गिलास पकड़े हुए नजर आ रहे हैं, जो कि उनकी राजनीतिक पार्टी का भी प्रतीक है। ओजी की बात करें तो इस फिल्म में पवन कल्याण के अलावा इमरान हाशमी, प्रिया अरुण मोहन, अर्जुन दास, प्रकाश राज, श्रेया रेड्डी, हरीश उथनम, अभिमन्यु सिंह, अजय घोष और सूरभ रेखा सुधाकर जैसे कई कलाकार शामिल हैं। ओजी के साथ इमरान हाशमी अपने तेलुगु डेब्यू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मूवी में वह विलन की भूमिका निभाने वाले हैं। वहीं ओजी की कहानी की चर्चा
करें तो यह एक गैंगस्टर ड्रामा है। फिल्म की कहानी मुंबई माफिया के इर्द गिर्द घूमती है। 27 सितंबर को अपनी रिलीज डेट के लिए तैयार फिल्म ओजी में नवनीतम नीलू का संपादन है, थमन एस का संगीत और रवि के चंदन की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलेंगी। फिल्म की कहानी सुजीत ने लिखी है, साथ ही उन्होंने इसका निर्देशन भी किया है। वही पवन कल्याण की वर्कफेयर की बात करें तो वह हरीश शंकर के साथ उस्ताद भगत सिंह नामक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, जो इसी साल स्क्रीन पर आएंगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पवन कल्याण की आने वाली फिल्म ओजी से रिलीज डेट का ऐलान हो गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण के बीते लंबे समय से अपनी आगामी फिल्म ओजी को लेकर सुर्खियों में बने हुए है। इस फिल्म में इब्रान हाशमी अपने तेलुगु डेब्यू करने के लिए तैयार है। फिल्म की पहली झलक सामने आने के बाद से ही फैन इसकी रिलीज डेट की घोषणा का इंतजार कर रहे थे, हालांकि अब इंतजार खत्म हो गया है। निर्माताओं ने आधिकारिक घोषणा कर दी है, मूवी इसी साल पर्दे पर धमाल मचाने के लिए आने वाली है। पवन कल्याण और इब्राहिम हाशमी की फिल्म का निर्माण कर रहे हैं DVV ने फिल्म से जुड़ी एक पोस्टर साझा किया है, साथ ही इसकी रिलीज डेट का भी घोषणा कर दी है। प्रोडक्शन हाउस ने एक्स पर पोस्ट के साथ लिखा, ओजी 27 सितंबर 2024 को आएंगी। पोस्टर भी बेहद दिलचस्प है, इसमें साउथ सुपरस्टार के हाथ में चाय का गिलास पकड़े हुए नजर आ रहे हैं, जो कि उनकी राजनीतिक पार्टी का भी प्रतीक है। ओजी की बात करें तो इस फिल्म में पवन कल्याण के अलावा इब्राहिम हाशमी, प्रिया अरुण मोहन, अर्जुन दास, प्रकाश राज, श्रेया रेड्डी, हरीश उथनम, अभिमन्यु सिंह, अजय घोष और सूरभ रेखा सुधाकर जैसे कई कलाकार शामिल हैं। ओजी के साथ इब्राहिम हाशमी अपने तेलुगु डेब्यू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मूवी में वह विलन की भूमिका निभाने वाले हैं। वही ओजी की कहानी की चर्चा करें तो यह एक गैंगस्टर ड्रामा है। फिल्म की कहानी मुंबई माफिया के इर्द गिर्द घूमती है। 27 सितंबर को अपनी रिलीज डेट के लिए तैयार फिल्म ओजी में नवनीतम नीलू का संपादन है, थमन एस का संगीत और रवि के चंदन की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलेंगी। फिल्म की कहानी सुजीत ने लिखी है, साथ ही उन्होंने इसका निर्देशन भी किया है। वही पवन कल्याण की वर्कफेयर की बात करें तो वह हरीश शंकर के साथ उस्ताद भगत सिंह नामक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, जो इसी साल स्क्रीन पर आएंगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पवन कल्याण की आने वाली फिल्म ओजी से रिलीज डेट का ऐलान हो गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण के बीते लंबे समय से अपनी आगामी फिल्म ओजी को लेकर सुर्खियों में बने हुए है। इस फिल्म में इब्राहिम हाशमी अपने तेलुगु डेब्यू करने के लिए तैयार है। फिल्म की पहली झलक सामने आने के बाद से ही फैन इसकी रिलीज डेट की घोषणा का इंतजार कर रहे थे, हालांकि अब इंतजार खत्म हो गया है। निर्माताओं ने आधिकारिक घोषणा कर दी है, मूवी इसी साल पर्दे पर धमाल मचाने के लिए आने वाली है। पवन कल्याण और इब्राहिम हाशमी की फिल्म का निर्माण कर रहे हैं DVV ने फिल्म से जुड़ी एक पोस्टर साझा किया है, साथ ही इसकी रिलीज डेट का भी घोषणा कर दी है। प्रोडक्शन हाउस ने एक्स पर पोस्ट के साथ लिखा, ओजी 27 सितंबर 2024 को आएंगी। पोस्टर भी बेहद दिलचस्प है, इसमें साउथ सुपरस्टार के हाथ में चाय का गिलास पकड़े हुए नजर आ रहे हैं, जो कि उनकी राजनीतिक पार्टी का भी प्रतीक है। ओजी की बात करें तो इस फिल्म में पवन कल्याण के अलावा इब्राहिम हाशमी, प्रिया अरुण मोहन, अर्जुन दास, प्रकाश राज, श्रेया रेड्डी, हरीश उथनम,
अभिमन्यु सिंह, अजय घोष और सूरभ रेखा सुधाकर जैसे कई कलाकार शामिल है। ओजी के साथ इब्राहिम हाशमी अपने तेलुगु डेब्यू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मूवी में वह विलन की भूमिका निभाने वाले हैं। वहीं ओजी की कहानी की चर्चा करें तो यह एक गैंगस्टर ड्रामा है। फिल्म की कहानी मुंबई माफिया के इर्द गिर्द घूमती है। 27 सितंबर को अपनी रिलीज डेट के लिए तैयार फिल्म ओजी में नवनीतम नीलू का संपादन है, थमन एस का संगीत और रवि के चंदन की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलेंगी। फिल्म की कहानी सुजीत ने लिखी है, साथ ही उन्होंने ही इसका निर्देशन भी किया है। वहीं पवन कल्याण की वक्फेड की बात करें तो वह हरीश शंकर के साथ उस्ताद भगत सिंह नामक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, जो इसी साल स्क्रीन पर आएंगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पवन कल्याण की आने वाली फिल्म ओजी से रिलीज डेट का ऐलान हो गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण की बीते लंबे समय से अपनी आगामी फिल्म ओजी को लेकर सुर्खियों में बने हुए है। इस फिल्म में इब्राहिम हाशमी अपने तेलुगु डेब्यू करने के लिए तैयार है। फिल्म की पहली झलक सामने आने के बाद से ही फैन इसकी रिलीज डेट की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। हालांकि अब इंतजार खत्म हो गया है, निर्माताओं ने आधिकारिक घोषणा कर दी है। मूवी इसी साल पर्दे पर धमाल मचाने के लिए आने वाली है। पवन कल्याण और इब्राहिम हाशमी की फिल्म का निर्माण कर रहे है DVV ने फिल्म से जुड़ी एक पोस्टर साझा किया है, साथ ही इसकी रिलीज डेट का भी घोषणा घोषणा कर दी है। प्रोडक्शन हाउस ने एक्स पर पोस्ट के साथ लिखा, ओजी 27 सितंबर 2024 को आएंगी। पोस्टर भी बेहद दिलचस्प है, इसमें साउथ सुपरस्टार के हाथ में चाय का गिलास पकड़े हुए नजर आ रहे हैं, जो कि उनकी राजनीतिक पार्टी का भी प्रतीक है। ओजी की बात करें तो इस फिल्म में पवन कल्याण के अलावा इब्राहिम हाशमी, प्रिया अरुण मोहन, अर्जुन दास, प्रकाश राज, श्रेया रेड्डी, हरीश उथनम, अभिमन्यु सिंह, अजय घोष और सूरभ रेखा सुधाकर जैसे कई कलाकार शामिल हैं। ओजी के साथ इब्राहिम हाशमी अपने तेलुगु डेब्यू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मूवी में वह विलन की भूमिका निभाने वाले हैं। वहीं ओजी की कहानी की चर्चा करें तो यह एक गैंगस्टर ड्रामा है। फिल्म की कहानी मुंबई माफिया के इर्द गिर्द घूमती है। 27 सितंबर को अपनी रिलीज डेट के लिए तैयार फिल्म ओजी में नवनीतम नीलू का संपादन है, थमन एस का संगीत और रवि के चंदन की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलेंगी। फिल्म की कहानी सुजीत ने लिखी है, साथ ही उन्होंने ही इसका निर्देशन भी किया है। वहीं पवन कल्याण की वक्फेड की बात करें तो वह हरीश शंकर के साथ उस्ताद भगत सिंह नामक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, जो इसी साल स्क्रीन पर आएंगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पवन कल्याण की आने वाली फिल्म ओजी से रिलीज डेट का ऐलान हो गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण की बीते लंबे समय से अपनी आगामी फिल्म ओजी को लेकर सुर्खियों में बने हुए है। इस फिल्म में इब्राहिम हाशमी अपने तेलुगु डेब्यू करने के लिए तैयार है। फिल्म की पहली झलक सामने आने के बाद से ही फैन इसकी रिलीज डेट की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। हालांकि अब इंतजार खत्म हो गया है, निर्माताओं ने आधिकारिक घोषणा कर दी है। मूवी इसी साल पर्दे पर धमाल मचाने के लिए आने वाली है। पवन कल्याण और इब्राहिम हाशमी की फिल्म का निर्माण कर रहे है DVV ने फिल्म से जुड़ी एक पोस्टर साझा किया है, साथ ही इसकी रिलीज डेट का भी घोषणा घोषणा कर दी है। प्रोडक्शन हाउस ने एक्स पर पोस्ट के साथ लिखा, ओजी 27 सितंबर 2024 को आएंगी। पोस्टर भी बेहद दिलचस्प है, इसमें साउथ सुपरस्टार के हाथ में चाय का गिलास पकड़े हुए नजर आ रहे हैं, जो कि उनकी राजनीतिक पार्टी का भी प्रतीक है।
ओजी की बात करें तो इस फिल्म में पवन कल्याण के अलावा इब्राहिम हाशमी, प्रिया अरुण मोहन, अर्जुन दास, प्रकाश राज, श्रेया रेड्डी, हरीश उथनम, अभिमन्यु सिंह, अजय घोष और सूरभ रेखा सुधाकर जैसे कई कलाकार शामिल हैं। ओजी के साथ इब्राहिम हाशमी अपनी तेलुगु डेब्यू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मूवी में वह विलन की भूमिका निभाने वाले हैं। वही ओजी की कहानी की चर्चा करें तो यह एक गैंगस्टर ड्रामा है। फिल्म की कहानी मुंबई माफिया के इर्द गिर्द घूमती है। 27 सितंबर को अपनी रिलीज डेट के लिए तैयार फिल्म ओजी में नवनीतम नीलू का संपादन है, थमन एस का संगीत और रवि के चंदन की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलेंगी। फिल्म की कहानी सुजीत ने लिखी है, साथ ही उन्होंने इसका निर्देशन भी किया है। वही पवन कल्याण की वक्फ हेड की बात करें तो वह हरीश शंकर के साथ उस्ताद भगत सिंह नामक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, जो इसी साल स्क्रीन पर आएंगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पवन कल्याण की आने वाली फिल्म ओजी से रिलीज डेट का ऐलान हो गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण के बीते लंबे समय से अपनी आगामी फिल्म ओजी को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म में इब्राहिम हाशमी अपने तेलुगु डेब्यू करने के लिए तैयार है। फिल्म की पहली झलक सामने आने के बाद से ही फैन इसकी रिलीज डेट की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। हालांकि अब इंतजार खत्म हो गया है, निर्माताओं ने आधिकारिक घोषणा कर दी है। मूवी इसी साल पर्दे पर धमाल मचाने के लिए आने वाली है। पवन कल्याण और इब्राहिम हाशमी की फिल्म का निर्माण कर रहे हैं डीवीवी ने फिल्म से जुड़ी एक पोस्टर साझा किया है, साथ ही इसकी रिलीज डेट का भी घोषणा कर दी है। प्रोडक्शन हाउस ने एक्स पर पोस्ट के साथ लिखा, ओजी 27 सितंबर 2024 को आएंगी। पोस्टर भी बेहद दिलचस्प है, इसमें साउथ सुपरस्टार के हाथ में चाय का गिलास पकड़े हुए नजर आ रहे हैं, जो कि उनकी राजनीतिक पार्टी का भी प्रतीक है। ओजी की बात करें तो इस फिल्म में पवन कल्याण के अलावा इब्राहिम हाशमी, प्रिया अरुण मोहन, अर्जुन दास, प्रकाश राज, श्रेया रेड्डी, हरीश उथनम, अभिमन्यु सिंह, अजय घोष और सूरभ रेखा सुधाकर जैसे कई कलाकार शामिल हैं। ओजी के साथ इब्राहिम हाशमी अपनी तेलुगु डेब्यू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मूवी में वह विलन की भूमिका निभाने वाले हैं। वही ओजी की कहानी की चर्चा करें तो यह एक गैंगस्टर ड्रामा है। फिल्म की कहानी मुंबई माफिया के इर्द गिर्द घूमती है। 27 सितंबर को अपनी रिलीज डेट के लिए तैयार फिल्म ओजी में नवनीतम नीलू का संपादन है, थमन एस का संगीत और रवि के चंदन की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलेंगी। फिल्म की कहानी सुजीत ने लिखी है, साथ ही उन्होंने इसका निर्देशन भी किया है। वही पवन कल्याण की वक्फ हेड की बात करें तो वह हरीश शंकर के साथ उस्ताद भगत सिंह नामक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, जो इसी साल स्क्रीन पर आएंगी।